झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर शाम 7 बजे दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है। बैठक में पीएम मोदी, अमित शाह, हिमंता बिस्व शर्मा, नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी, प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी शामिल होंगे। उससे पहले अभी पूसा गेस्ट हाउस में झारखंड बीजेपी की बैठक चल रही है और इसमें शिवराज सिंह चौहान, हिमंता बिस्व शर्मा, बाबूलाल मरांडी, अमर बावरी, संजय सेठ, दीपक प्रकाश समेत कई बड़े नेता शामिल हो रहे हैं। इसके बाद शाम 5 बजे अमित शाह, जेपी नड्डा और बीएल संतोष के साथ झारखंड बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक आयोजित होगी। ये बैठक बीजेपी मुख्यालय में होनी है और इसके बाद आखिरी में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। माना जा रहा है कि बैठक में उम्मीदवारों के नामों पर सहमति बन सकती है। अंकित, इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अंकित, आगामी चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां एक्टिव मोड पर नजर आ रही हैं और इस बीच झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर भी आज शाम 7 बजे दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने वाली है, क्या कुछ जानकारी? शिखा, निश्चित तौर पर अगर हम बात करें देश की राजधानी दिल्ली में अभी पूसा गेस्ट हाउस में झारखंड की एक बड़ी बैठक चल रही है। इस बैठक में शिवराज सिंह चौहान, हेमंता बिस्व शर्मा, बाबूलाल मरांडी, उमर बाबरी, संजय सेठ, दीपक प्रकाश करंबी समेत तमाम बड़े नेता शामिल हैं। इसके बाद तकरीबन शाम को 5 बजे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में एक बड़ी बैठक का आयोजन किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। तो ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, बीएल संतोष के साथ झारखंड बीजेपी कोर ग्रुप की यह बैठक होगी। यह बैठक भाजपा मुख्यालय में होगी। इसके बाद देर शाम को यानी कि शाम को 7 बजे के करीब बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत जो तमाम भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व उस बैठक में शामिल होंगे। इसमें कहीं ना कहीं जिस तरीके से झारखंड में विधानसभा का चुनाव नजदीक आ रहा है उसको देखते हुए तो वो पार्टी बड़ी में कहीं ना कहीं लेके कोई ऐसे कौन कौन से सहयोगी दल है और कौन कौन से ऐसे प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं जिनको लेके कोई भारतीय जनता पार्टी किसी प्रकार की कोई कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहती। तो ऐसे में कहीं ना कहीं देश की राजधानी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से झारखंड विधानसभा चुनाव को देखते एक बड़ी बैठक का आयोजन किया जा रहा है जिसमें लगातार भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व वो पार्टी के तमाम जो पदाधिकारी झारखंड से जुड़े हुए हैं उनसे लेके कहीं ना कहीं चिंतन और मंथन करेंगे। बिल्कुल अंकित, और जिस तरीके से पीएम मोदी खुद इस बैठक में शामिल होंगे, अमित शाह, हिमंता बिस्व शर्मा समेत तमाम बड़े नेता बीजेपी के इस बैठक में शामिल होने वाले हैं, जाहिर है साफ तौर पर कहा जा सकता है कि आगामी चुनाव को लेकर गहरा मंथन किया जाएगा। बेहद खास ये बैठक रहने वाली है। बिल्कुल शिखा, अगर हम बात करें जब भी भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होती है तो ये स्वाभाविक बात है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन किया जाता है। ऐसे में अगर हम बात करें जो झारखंड के प्रभारी बनाए गए शिवराज सिंह चौहान हो या आसाम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा हो या प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी हो, संजय सेठ हो, दीपक प्रकाश हो, तो कहीं ना कहीं उनके साथ आज एक बड़ी रणनीति यानी कि विधानसभा चुनाव को देखते हुए ऐसे कौन कौन से उम्मीदवारों का चयन किया जाना है उसको लेके कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व तो वो लगातार चिंतन और मंथन दिल्ली में अभी कर रहा है। लेकिन शाम को जिस तरीके से केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक बुलाई गई है वो बिल्कुल स्थिति साफ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री यानी कि बीएल संतोष की उपस्थिति में बड़ी बैठक का आयोजन किया जाएगा। इससे पहले शाम को 5 बजे गृह मंत्री अमित शाह के साथ भी एक बैठक रखी गई है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। फिर 7 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव को देखते हुए कौन कौन से ऐसे उम्मीदवार होंगे, कौन कौन से जो सहयोगी दल है, किस तरीके से आगे के एजेंडे पर काम किया जाएगा उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व वो अंतिम मोहर लगाने का काम करेगा। बिल्कुल अंकित, अपनी नजर बनाए रखिएगा इस खबर पर और बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।